हेलो बच्चों, नमस्ते। आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल हिंदी भाषा माधुरी क्लास 4 और चैप्टर है चैप्टर 16। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आए, मेरा क्लास पसंद आए, तो मेरे क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 ऐसे भी बच्चे। एक सुबह ब्रैकेट में ये आपको बताया जा रहा है, एक पूरा पैराग्राफ ब्रैकेट में है, आपको इस चैप्टर का पूरा सीन बताया जा रहा है। आखिर चैप्टर किसके ऊपर आधारित है? एक स्कूल जाने वाले बच्चों के ऊपर, और एक ऐसे बच्चे जो उसी उम्र के हैं पर स्कूल नहीं जा पाते हैं आर्थिक तंगी और गरीबी की वजह से, तो वो तो इन दोनों के बीच का कम्बिनेशन आपको दिखाया गया है। और तो चलिए पूरा स्टार्ट करते हैं, आपको आगे पता चलेगा। एक सुबह कुछ विद्यार्थी अपने कंधों पर बस्ते लटकाए स्कूल जा रहे थे। उनके चेहरों पर उत्साह और प्रसन्नता थी। सर्दी के कारण उन्होंने ऊपर से नीचे तक ऊनी वस्त्र पहने हुए थे। उसी सड़क पर कुछ अथनंगे बच्चे नंगे पांव कंधे पर फटी पोरी टांगे, यहाँ है ना, फटी पोरी टांगे, फटे पुराने कागजों के टुकड़े, इधर उधर बिखरी प्लास्टिक की गंदी थैलियां चुन रहे थे। उनके कुमलाहे मुख और पड़पड़ाए होंठ भूख व ठंड की कहानी कह रहे थे। स्कूल जाते बच्चों को ये सता टकटकी लगाकर देखते थे, तो है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, तो चलिए देखते हैं। एक बच्चा दूसरे से कहता है, हीरा कहता है मोती से, मैं सुबह जब इन बच्चों को स्कूल जाते देखता हूँ तो सोचता हूँ क्या मेरे कंधे पर भी कभी बस्ता होगा। इन गरीब बच्चों में से एक बच्चा कहता है। तो इसी में से एक बच्चा फिर इसका जवाब मोती देता है। मोती हीरा से कहता है, लोग तो रात में सपने देखते हैं, तू तो दिन में ही सपने देखने लगा। हम कलियों में पैदा हुए हैं, कलियों में ही जिएंगे और गलियों में ही मर जाएंगे। फिर हीरा बोलता है मोती से, बात तो ठीक है लेकिन सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। ये गरीब बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों को देखकर। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर मोती बोलता है हीरा से, बिल्कुल पूरी बात नहीं, सपने देखें लेकिन एक बोरी रत्ती के, भर पेट रोटी के और पूरा तन ठकने वाले कपड़े के। अपने सपने की बात किसी और से मत कहना, कहेंगे सूखी रोटी और बासी सब्जी भी जिन्हें नहीं मिलती वे महलों की बात करते हैं। तो इस पर पन्ना बोलती है, पन्ना उसी उन्हीं बच्चों में एक लड़की थी, पन्ना बोलती है, कंधे पर टंगी पोरी संभालते हुए पन्ना उनके पास आती है। हीरा और मोती की बोरियों को हाथ लगाकर, इन दोनों की बोरियों को छूकर हाथ लगाकर, खाली, बिल्कुल खाली, अगर बोरी भरकर माल इकट्ठा नहीं किया तो घर में चूल्हा नहीं चलेगा, गप्पे मारना बंद करो और धंधे पर चलो। इस तरीके से वो इन लोग को बोलती है। अब यहाँ देखिए, फिर हीरा बोलता है, यह पन्ना जब भी मिलेगी चूल्हे की ही बात करेगी, चूल्हे को छोड़कर कुछ और सोचती है? तो पन्ना बोलती है, सोचती तो हूँ पर चूल्हा ना चलने पर छोटे भाई बहनों को भूख से पिलकते नहीं देख सकती। उस दुर्घटना में जब से पापू मरा है तब से माँ ने खटिया पकड़ ली है, मेरी ही कमाई से घर में चूल्हा जलता है। तो हीरा बोलता है, हम कलियों के बच्चों के पास भूख लाचारी और जिम्मेदारी ही है, मुझे तो ऐसा कोई दिन याद नहीं जब पेट भर के मन चाहा भोजन मिला हो। फिर इस पर मोती बोलता है, चलो अब धंधा शुरू करो, आकाश में बादल घिर आए हैं, वर्षा शुरू हो गई तो धंधा चौपट ही समझना,
ठंड से टाट किटकिटाएंगे। हाँ, दोपहर बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे, हो सकता है कोई मेहरबान रोटी ही खिला दे। तीनों अलग अलग दिशाओं में पड़ जाते हैं। दूसरी सुबह मतलब अगले दिन, दूसरी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे कागज चुनने वाले बच्चों को देखकर, अब स्कूल जाने वाले बच्चे इन करीब बच्चों को देखकर बातें करते हैं। तो इस पर अर्चना बोलती है अपने साथियों से, जब मैं कड़कती ठंड में इन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है इनका कोई बचपन नहीं है। गरीबी के कारण इन्हें बचपन में ही कमाने को मजबूर होना पड़ता है। हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हो। तो इस पर निशांत बोलता है खींच भरे स्वर में, खींच मतलब गुस्से से, हल्का सा जो गुस्सा आता है उसे खींच कहते हैं, खींच भरे स्वर में, सुबह सुबह बिना सिर पैर की बात शुरू कर देती है। जब देखो उनके बारे में ही सोचती है जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुषार, इस पर तुषार बोलता है छिड़कते हुए, उसकी बात को मतलब हटाते हुए छिड़कते हुए, ये बच्चे हैं हमारे जैसे बच्चे, अंतर केवल इतना है कि हमारे माता पिता हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इनके नहीं, इसीलिए इनके जीवन में दुखों और अभावों का भंडार है। इसी पर अर्चना बोलती है जब हम स्कूल जाते हैं तब हमारा पीछा करती इनकी आंखें बताती हैं कि ये भी स्कूल जाने का सपना देखते हैं। और यहाँ कुछ शब्दार्थ आप देख लीजिए, जैसे चौपट मतलब नष्ट, अभाव मतलब कमी। आगे देखिए निशांत बोलता है आपस में, अच्छा पूछकर देखते हैं। तुषार आवाज लगाकर, सुनो बच्चों, हीरा मोती और पन्ना उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अर्चना बोलती है उन बच्चों से, क्या तुम स्कूल जाओगे? बच्चे एक स्वर में बोलते हैं हाँ हाँ, उसमें से फिर कभी नहीं, हाँ हाँ नहीं, ऐसे करके लुक जवाब देते हैं। हीरा बोलता है अर्चना से, पर स्कूल जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? नहीं, हम स्कूल नहीं जा सकते। पन्ना बोलती है अर्चना से, यदि कमाई और पढ़ाई दोनों एक साथ हो तो हम स्कूल जा सकते हैं। अर्चना संकेत से, मेरा घर वहाँ कोने में है, काम के बाद मेरे घर आना। शाम को वे तीनों अर्चना के घर आंगन में इकट्ठे होते हैं। अर्चना का कॉलेज में पढ़ने वाला बड़ा भाई मनोज भी वहाँ है। मनोज उन बच्चों से बोलता है, अब मनोज शाम का वक्त आता है, तो मनोज उन बच्चों से जो पटना जाता है कल 4 बजे बस अड्डे के पास वाले कॉलेज के बाहर आ जाए, मैं वहीं मिलूंगा। कुछ समय बीतता है, वे बच्चे पटना लिखना सीख गए। एक दिन हीरा ने पढ़ाई लिखाई की बात अपने पिता को बता दी, उनके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बस्ती के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, मनोज भी वहाँ पहुँच गया। हीरा समझाने के स्वर में, जब से मैंने गिनना सीखा है बापू, तब से दुकानदार मुझे धोखा नहीं दे पाता। जितने माल के पहले 10 रुपए देता था उतने के अब 20 रुपए देता है। मनोज वहाँ खड़े लोगों से बोलते हैं, यदि ये बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई उन्हें लूट नहीं पाएगा। बड़े होने पर ये अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। हीरा का पिता, भैया अब तो मैं ही नहीं, मेरे साथी भी पढ़ना लिखना सीखेंगे। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए। पाठ के आधार पर उत्तर है, आपको इसमें से कोई एक उत्तर बताना है। लोगों को रात में सपने, लोग मतलब लोग तो रात में सपने देखते हैं, तू तो दिन में ही सपने देखने लगा, मोती ने हीरा से ऐसा क्यों कहा? तो इसका क्वेश्चन आप बताइए अभी, और है इसका, और फिर दूसरा है आप कौन कौन से सपने देखते हैं। पहले का आंसर आपको थोड़ा बताते हैं, मोती ने हीरा से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये बच्चे गरीब बच्चे हैं जिन्हें भर पेट दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती, बासी रोटी तक नहीं मिल पाती। वे बच्चे रोटी के अलावा अगर उससे ज्यादा के अगर सपने देखें
तो उस पर वो उन्हें शोभा नहीं देता। इस कारण से मोती ने हीरा से कहा कि जब हमें दो वक्त की रोटी, बासी रोटी भी नसीब नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में हम पढ़ाई की सपने कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए अपनी गरीबी के कारण मोती ने हीरा से ऐसी बात कही, आप ये कह सकते हैं। दूसरा है, आप कौन कौन से सपने देखते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आप बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स को, या कमेंट्स में कि आप कौन कौन से सपने देखते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। फिर है ख है, कप्पे मारना बंद करो और धंधे पर चलो। पन्ना किस धंधे की बात कर रही थी? दूसरा, पन्ना को कौन सी चिंता सता रही थी? धंधे का मतलब यही हो गया कि इन लोग जो काम करते हैं, कूड़ा चुनने का काम, ये उस धंधे की बात कर रही थी ना अपने भाइयों से। और दूसरा है, पन्ना को कौन सी चिंता सता रही थी? पन्ना को आप चिंता सता रही थी कि उसके घर में अगर वो कूड़ा चुनकर उसको बेचेगी नहीं, कूड़ा चुनकर उसे बेचेगी नहीं, उससे पैसे अगर नहीं लाएगी तो उसके घर में उस चूल्हा नहीं चलेगा, उसके जो छोटे छोटे भाई बहन है और एक बीमार माँ है, वो सब के सब भूखे रह जाएंगे। बस इसी बात की चिंता पन्ना को सता रही थी। फिर कह है, हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हो। ये बच्चे किसके लिए प्रयोग, मतलब ये बच्चे किसके लिए प्रयोग हुए हैं? तो ये बच्चे इन करे, ये जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उसमें से एक कहती है कि ये गरीब बच्चों के ऊपर इशारा करके ये बात कहती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इसमें से ये जो लड़की है, ये इन गरीब बच्चों के ऊपर इशारा करते हुए ये बात कहती है, और ये अर्चना इन गरीब बच्चों को की तरफ इशारा कहते हुए ये बात कहती है। तो ये हो गया। दूसरा है, अर्चना ने सब बच्चों के बारे में ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो हमेशा आते जाते समय, स्कूल आते जाते समय इन बच्चों को देखती थी कि ये बच्चे स्कूल आते जाते वक्त इन्हें स्कूल जाने वाले बच्चों को एक तक निहारते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो उस कारण अर्चना को लगा कि ये बच्चे भी अंदर से स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, पर इनके पास इतने पैसे नहीं है, गरीब हैं और स्कूल जा नहीं सकते। इस वजह से अर्चना उनकी भावनाओं को समझ जाती है और फिर ऐसा इस वजह से कहती है। फिर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कोच से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्कूल जाते, तो यहाँ दिया है लोग और बच्चे, तो बच्चे हो गया, ये सतह टकटकी लगाकर देखते थे। तो पहर बात राजू पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स बताती है। फिर कुछ है, आपके बातचीत के आधार पर है, आपके सोचने के आधार पर कि आप क्या जवाब दे सकते हैं। कुछ बच्चे पढ़ लिख क्यों नहीं पाते, ये आप अपने अभी आप चैप्टर पढ़ें और कुछ अपने अनुभव के आधार पर इसका जवाब आप दीजिए। दूसरा, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उन्हें किस प्रकार की परेशानियां आती होंगी, तो ये भी आप सोचिए कि उन्हें सब लोग ढक लेते होंगे, तो की जगह एक देते होंगे और इस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी होती होगी, तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। फिर है, आपकी बात में स्कूल में पढ़ने के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हें लिखिए, तो क्या क्या चीज आप स्कूल लेके जाते हैं, तो वो आप लिखिए। स्कूल बैग, कॉपियां, किताब, पेंसिल, रबड़, ये सब हो गया, आप अपने सोचकर इसमें भर सकती है। फिर है, दूसरा है, बाल मजदूरी के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए कि बाल मजदूरी ठीक नहीं है, बच्चों का बचपन छिन जाता है, तो इस तरीके से बाल मजदूरी के क्या मतलब दुष्परिणाम है, इस पर आप चर्चा कीजिए अपने स्कूल में। फिर आगे देखते हैं, आगे का चैप्टर ये है आपका विलोम सत्य, दिए गए खाली स्थान में सही सत्य लिखकर फटे पुराने पटना लिखना, मतलब एक समान लय वाला सत्य, जैसे इधर का उधर हो गया, लेना का देना हो गया, सुबह शाम हो गया, दिन रात दिन हो गया, इस तरीके से आपको अलग भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उसे पाठ में पूर्ण विराम तथा प्रश्न सूचक वाले दो वाक्य छांट कर लिखिए। पूर्ण विराम वाले पाठ, यदि यह बच्चे थोड़ा पठ लिख लेते तो कोई भी इन्हें इतना परेशान, कोई भी इन्हें लूट नहीं पाता। दूसरा है, हो सकता है कि कोई मेहरबान रोटी ही, तो ये दोनों वाक्य हो गया पूर्ण विराम, और दूसरा प्रश्न सूचक में क्या है, हो सकता है कि यह बच्चे हमसे अधिक के योग और बुद्धिमान हो, अच्छा पूछकर देखते हैं, ये दोनों वर्ड हो गया प्रश्न सूचक वाक्य। तो आप देख लिए कि कौन सा आपका पूर्ण विराम वाला वाक्य है और
कौन सा प्रश्न सूचक वाला वाक्य है। तो आपको हम थोड़ा दिखा भी देते हैं, इस तरीके से आप पाठ में से आप देख कर आप लिख सकते हैं। अब है जीवन मूल्य से संबंधित। ऐसे अनेक बच्चे हैं जो कूड़ा पीते हैं, जिन्हें खाने पीने के लिए चीजें नहीं मिलती। ऐसे बच्चों की मदद हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो आप ऐसे बच्चों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं, ये आप सोचकर बताइए। दूसरा, यदि आप किसी बहुत दूसरा है यदि आप किसी बहुत छोटे बच्चे को ढाबे पर या किसी दुकान में काम करते देखेंगे तो क्या करेंगे? तो ये और क्यों ऐसा करेंगे? तो ये आपके ऊपर है, आप सोचकर बताइए, क्योंकि जीवन से आधारित है तो आप सोचकर बता सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है। और इस तरीके से कुछ करने के लिए अपने घर के आसपास जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें पार्क में इकट्ठा करके स्कूल जाने के फायदों के बारे में आप बता सकते हैं। अगर पार्क में घूमने जाते हैं और इस तरीके से कुछ बच्चे दिखते हैं तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि आप लोग समय निकाल कर अगर स्कूल जा सकते हो तो जाइए। और दूसरा है, विभिन्न चेहरों को देख कर बताइए कि ये कौन सा चेहरा कैसा दिखता है, तो ये आप देखकर बता सकते हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है, ऐसे भी बच्चे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 17, कोयल। तो ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, इसकी अगर अलग वीडियो बनाएंगे जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आप पर आ जाएगा और आप देख लीजिएगा। तो पूरी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू बच्चों।